प्राचीन काल मेसक युग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी के पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलकन्या पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्बल और रोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो इस व्यक्ति को व्रत को करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातःकृत से निपट कर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी, मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपने नित्य कर्म करने के बाद ही सुंदर व्रत वाली पूजन करें। अपने सामर्थ्य अनुसार गणेश जी की मूर्ति रखें। सोने, चांदी, अष्ट धातु, मिट्टी अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर गणेश जी की मूर्ति रखें। मूर्ति कलश में वस्त्र अर्पण करके अष्ट दल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, ये आपका पाद्य। हे शंकर सुवन, ये आपके लिए अर्ध है। और गणेश जी पर पूजा की सभी सामग्री अर्पित करें। भोग में देशी घी के 15 लड्डू चढ़ावें। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए अर्घ को ग्रहण की गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको प्रणाम। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। प्रार्थना करके मूर्ति का विसर्जन करें। विसर्जन इस प्रकार से करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा का फल को दीजिए और इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए।